नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। रोज की तरह आज धर्म पर चर्चा होगी, तो आज धर्म पे जो हमारा टॉपिक है वो है गायत्री मंत्र जपने से क्या फायदे होते हैं और उससे क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होता है। तो आज मैं यही सब आपको बताऊंगा। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म शास्त्र में ऐसे बहुत से मंत्रों का उल्लेख मिलता है जिनका जप यदि दैनिक जीवन में किया जाए तो ये अति लाभदायक होते हैं। इन्हीं मंत्रों में से एक है गायत्री मंत्र। हिंदू धर्म के ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, साथ ही कई सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। गायत्री मंत्र को हिंदी धर्म शास्त्रों से महामंत्र कहा जाता है। यदि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो जीवन से सारे अभाव दूर होते हैं और जीवन में सफलता और सुख समृद्धि आती है। भोपाल एवं वास्तु, घर, परिवार, समृद्धि, सुख, हर चीज़ों से गायत्री आपको सुख प्रदान करती है। क्या है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र का लोग उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं आज भी। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ततः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। अब बात यहां आती है कि गायत्री कब और कैसे जपें। गायत्री कब और कैसे जपें, बहुत से लोग इसी में परेशान रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि प्रातः काल बिस्तर से उठने के बाद सभी नित्य कर्मों से मुक्त हो जाने के पश्चात 8 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्योदय के समय घर के पूजा स्थल या किसी अन्य शुद्ध जगह पर बैठकर 3 माला गायत्री या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी इच्छा पूर्ति के साथ आपकी रक्षा होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भोजन करने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से भोजन अमृत के समान हो जाता है। यदि किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय 5 या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से समृद्धि एवं सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री माता के जप से आप बहुत जल्दी ही धनवान, गुणवान, सामाजिक प्रतिष्ठा, आदर भाव सब आपको मिलेगा। गायत्री को सर्वदायत्री कहा गया है। गायत्री माता सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, इसलिए हर एक ब्राह्मण, हर एक व्यक्ति को चाहिए वो गायत्री की उपासना करे। आइए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। तो आज का पंचांग 1/7/2024, श्री संवत 2081, साके 1946, तिथि दशमी, दिन में 10:30 तक रहेगी। नक्षत्र अश्विनी, दिन में 7:17 तक रहेगा। करण की बात करूं तो विष्ट तथा बव करण, मास आषाढ़, पक्ष कृष्ण पक्ष,
योग की बात करूं तो सुकर्मा योग रात में 3:01 तक रहेगा। सोमवार वर्षा ऋतु, चंद्रमा मेष राशि पर रहेगा। अभिजित मुहूर्त की यदि बात करें तो अभिजित मुहूर्त 11:57 AM से लेकर के 12:52 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 7:11 AM से लेकर 8:55 AM तक रहेगा। दिशा शूल की बात करूं तो दिशा शूल पूर्व की तरफ है, तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित है। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो माता का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा तथा भूमि मकान आदि का सुख एवं घरेलू सुख प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता रहेगी तथा मन का स्वामी चंद्रमा होता है, इसीलिए मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के साधन बनेंगे और स्त्री पक्ष में सुख और सुंदरता प्राप्त होगी तथा नौकरी और रोजगार में सफलता प्राप्त होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। यदि उपाय की बात करूं तो जल में गुड़ डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, आज आपको धन की संग्रह शक्ति का बड़ा आनंद प्राप्त होगा। आज परिवार के लोगों का विशेष सहयोग नहीं होगा। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। व्यवसाय में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। उपाय की यदि बात करूं तो ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, आज पारिवारिक स्वरूप से भाई बहन का सहयोग तथा सुखपूर्वक पराक्रम की वृद्धि होगी। मनोबल की शक्ति से भूमि मकान आज रहने का योग है। भाग्य में उन्नति मिलेगी जिससे नौकरी और व्यापार में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि ज्वर माने बुखार या गांठ से संबंधित समस्या हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान दें। उपाय की यदि बात करूं तो गणेश चालीसा तथा गणेश जी को 11 धूप चढ़ाकर मंत्र ओम गंग गणपतये नमः बोलकर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है तथा भूमि मकान आदि का सुंदर योग है। आज के दिन घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन नौकरी करने वाले उच्च अधिकारी से सावधान रहें, उनसे उलझने की कोशिश ना करें। व्यापार के क्षेत्र में आज नए व्यापार की शुरुआत ना करें क्योंकि बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। स्वास्थ्य सुचारू रूप से सही रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। उपाय की यदि बात करूं तो माँ की सेवा करने से चंद्रमा बलशाली होता है और सफेद और जल में सफेद चावल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो आज आप संतान पक्ष में बड़ा ही सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे और पढ़ रहे छात्रों के लिए विद्या के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त होगी और मकान आदि का सुख का योग रहेगा। धन संपत्ति में आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में बुखार तथा सिर दर्द की समस्या बन सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। उपाय की यदि बात करूं तो नीले कपड़े के साथ काला उड़द के दाने, साथ काली मिर्च, एक कच्चा कोयला किसी भी सुनसान जगह में दबाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है,
आज भूमि मकान आदि में एवं घरेलू वातावरण में अशांति का योग प्राप्त होगा, खर्च खूब होगा और बाहरी लोगों द्वारा सुख का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य में रीढ़ की हड्डी में पीड़ा हो सकती है तथा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यापार सही तरीके से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपका आपसी मनमुटाव हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का एक पाठ करके यदि आप घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज के दिन नौकरी पेशा वालों को रोजगार के मामले में काफ़ी सफलता मिलने वाली है और गृहस्थ की हर संबंध में सुख शक्ति प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होगा। उपाय की यदि बात करूं तो लक्ष्मी जी की उपासना करें और सफेद वस्त्र का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आज घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन कमाने के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में गैस की समस्या होना और बुखार होने की संभावना है तथा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में आपसी मनमुटाव हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो हनुमान जी की पूजा करें तथा मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। माता पिता एवं परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और भूमि खरीदने का योग बन रहा है। नौकरी इत्यादि में पदोन्नत मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि है। आज के दिन कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। राज समाज में मान मर्यादा मिलेगी। भूमि और मकान आदि का सुंदर योग है और हमेशा उसे आत्मविश्वास मजबूत रखेगा, जिसके कारण नए अवसर मिलने के आसार हैं। स्वास्थ्य में सिर दर्द तथा शरीर में अकड़न हो सकती है। व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। उपाय की यदि बात करूं तो आज के दिन जल में काला तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। आज के दिन नए अवसर प्राप्त होने का समय है। नौकरी एवं रोजगार में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेम इत्यादि बना रहेगा। ज्यादा खर्च करने से बचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी आत्मा की बात जरूर सुनें। स्वास्थ्य में आँखों पर विचार करें। नस से संबंधित समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो शनि चालीसा का पाठ करें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु है। मीन राशि वालों खर्चों से सावधान रहें। अनर्गल खर्च ना करें। पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है और झगड़ा झंझटों के मामले से दूर रहें, नहीं तो परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन सुखमय तथा मधुर रहेंगे। उपाय की यदि बात करूं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि आप घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने आपको धर्म के विषय में, गायत्री के विषय में बताया।
और दैनिक पंचांग के विषय में बताया तथा दैनिक राशि के विषय में बताया, तो चलिए एक बार भगवान का स्मरण हो जाए और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक रूप से नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40 गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस बाराबंकी। फोन नंबर 0524829763187073813547912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा चुनैट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।
डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता: प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता: अपश्री लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता: वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर वन विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम।